मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम महेश शर्मा. आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश फ्रॉम स्टैंडर्ड 7th लेसन 4. द नेम ऑफ द स्टोरी इज द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. एसेस माने होता है राख या भस्म. ब्लूम माने होता है खिलना, खिल जाना कली के रूप में एकदम. तो यही कहानी पढ़ना है. देखिए, कोई ऐसा कोई जादुई राख है जो सूखे हुए पेड़ को हरा भरा बना देता है. तो आइए देखें इस कहानी के माध्यम से क्या ऐसा होता है या नहीं. दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल. कपल का माने होता है जोड़ा, दंपति, पति और पत्नी. तो दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग. ऑनेस्ट ईमानदार और एक कठिन परिश्रमी ओल्ड बूढ़े दंपत्ति की कहानी है. एंड देयर पेट डॉग और उनका पालतू कुत्ता की. द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ. पड़ोसी मुश्किल में होते हैं और उनके कुत्ते की सैड डेथ हो जाती है, दुखद मृत्यु हो जाती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. फिर भी दुखद मृत्यु होने के बाद भी कुत्ता जो है अपने मालिक को शांति और सहारा न चाहते हुए भी देता है. कैसे, आइए देखें कहानी में. इन द गुड ओल्डन डेज ऑफ डैमियो. डैमियो राजा को कहा गया है यहाँ. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डैमियोज देयर लिव्ड एंड ओल्ड कपल हुज वनली पेट वाज ए लिटिल डॉग. इन द गुड ओल्ड डेज यानी पुराने अच्छे दिनों में डैमियो के देयर लिव्ड एक रहता था एक कपल, एक जोड़ा यानी दंपत्ति एक रहते थे. हुज वनली पेट वाज ए लिटिल डॉग जिनका एकमात्र पालतू कुत्ता था. Having no children, उन्हें और कोई संतान नहीं थे. Having no children, they loved it as through it were a baby. वे उसकी देखभाल ऐसे किया करते थे जैसे उनकी यह अपनी संतान हो, इतना उस कुत्ते को मानते थे. The old dame कहा जाता है पत्नी को, यानी दंपत्ति का जो पत्नी थी उसी को डेम कहा गया है. द ओल्ड डेम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रैप. बूढ़ी जो थी दंपत्ति वह उस कुत्ते को खाने के लिए एक कुशन यानी गद्दा बना दी थी कि बैठ करके भोजन करेगा इस पर. एंड एट मेल टाइम यानी भोजन के समय मुको फॉर दैट वाज इट्स नेम और उसका नाम रख दिया था मुको कुत्ते को. वुड सीट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट और उस पर ऐसे बैठ जाता था जैसे एनी कैट. स्नग माने होता है उसका बाल. स्नग एज एनी कैट किसी बिल्ली की भांति बैठ करके वह भोजन करता. द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टाइट बिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. उस कुत्ते को वह मछली का टुकड़ा और जो भी अपने खाते उसको भी खिलाते थे. दस ट्रीटेड द डम्ब क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बींग विथ ए सोल. इस प्रकार से वह जो जीव था, वह जो प्राणी था यानी जो कुत्ता था, क्रिएचर जो था, वह अपने मालिक को बहुत आत्मा से एकदम लाइक करता था, पसंद करता था. द ओल्ड मैन बींग ए राइस फार्मर. बूढ़ा जो किसान था, बूढ़ा जो आदमी था वह एक किसान था, राइस फार्मर, चावल उपजाने वाला. वेंट डेली विथ हो और स्पेड इन टू द फील्ड्स. डेली अपने खेत पर जाता कुदाल और हो माने होता है खुरपा. अपने कुदाल और खुरपा के साथ डेली खेत पर जाता. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेन टू सामा.
एज द सन इज कॉल्ड, जैसा कि वो सूर्य को कहा गया है, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, वह सूर्योदय से लेकर के शाम तक खेतों में काम करता, गॉन डाउन हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक सूरज पहाड़ी के पीछे छिप नहीं जाता, यानी सुबह से लेकर शाम तक। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और प्रतिदिन कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जाता। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन, हेरॉन माने होता है बगुला पक्षी। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन, और सफ़ेद बगुलों को कभी वह हानि नहीं पहुंचाता। दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, किस लिए, टू पिक अप द वर्म्स, और उस किसान के पग चिन्हों पर पीछे पीछे चलता कीड़ों को खाने के लिए। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंस एज काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और फॉर द ओल्ड फेलो, और यह जो बूढ़ा जो किसान था वह बड़ी धैर्यतापूर्वक उसे अपने जीवन में उसे चाहता था, प्यार करता था। एंड ऑफ एन टर्न्ड अप हिज स्वॉर्ड ऑन पर्पोज टू गिव फूड टू बर्ड्स, और किसान के पैरों के पीछे चलकर वह कीड़ों को ढूंढता। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ते हुए आया। पुटिंग हिज पाल, और अपना पंजा अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड, और किसान के पास दौड़ते हुए कुत्ता आया और अपना पंजा और सिर किसान के पैर पर रख दिया। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, तो बूढ़ा किसान ने सोचा कि कुत्ता ऐसे ही खेल रहा है। Did not mind it, वह ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on whining and running to and fro for some minutes, परंतु कुत्ता ऐसा कुछ मिनट तक करते रहा, दौड़ करके आता, किसान के पैरों पर अपना पंजा रख देता, सिर रख देता, यानी कुछ मिनट तक ऐसा कुत्ता बार बार करते रहा। तो पहले तो किसान ने सोचा कि ऐसे ही खेल रहा है, लेकिन बार बार जब कुत्ता ऐसा जब दोहराते रहा, तब देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस, तब द ओल्ड मैन फॉलोड, बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे गया ए फ्यू यार्ड्स कुछ गज तक, वेयर द एनिमल्स बिगैन ए लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ पर वह जीव, जहाँ पर वह कुत्ता जो था स्क्रैच कर रहा था, कोड़ रहा था अपने पैरों से जमीन को। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए ब्यूरिड बोन और बीट ऑफ फिश, ऐसा सोच करके कि कुत्ता कुड़ रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है कि कुछ मछली का टुकड़ा या कोई हड्डी वगैरह गड़ा हो जमीन के अंदर, और वही निकालने के लिए कुत्ता कुड़ रहा है। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए ब्यूरिड बोन और बीट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, और ऐसा सोच करके बूढ़ा आदमी ने, बूढ़ा किसान ने अपना कुदाल को जमीन में मारा, यानी कोड़ा वहाँ पर, स्टक हिज हो इन द अर्थ। तब फाइल लो, आश्चर्य प्रकट करता है, ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम, सोने का ढेर उसके पैरों तले चमकने लगा। ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम, उसके समक्ष सोने का ढेर चमकने लगा। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वेयर मेड रीच, इस प्रकार से वह किसान जो था घंटे भर में, एन आवर, वह आदमी धनी बन गया। दस एन आवर द ओल्ड कपल वेयर मेड रीच, घंटे भर में इस प्रकार से वह आदमी धनी बन गया। द गॉड सोल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड, द गुड सोल्स, अब यह जो गुड सोल वाला दयालु आत्मा, अच्छा हृदय वाला जो आदमी था किसान, यह क्या किया, उस सोने के ढेर से ए पीस ऑफ लैंड बॉट कर लिया, खरीद लिया, जमीन का एक भाग, जमीन का एक टुकड़ा ले लिया।
और मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों को दावत किया, भोजन पर आमंत्रित किया, एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर, और अपने गरीब पड़ोसी को दान भी दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथर्ड हिम विथ काइंडनेस, और इस प्रकार से यह कुत्ता जो था, एज फॉर द डॉग दे पेटेड, वह उसे और अधिक चाहने लगा, बूढ़ा किसान उसे और भी प्यार करने लगा। नेक्स्ट, नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, अब उसी गांव में एक विकेड ओल्ड मैन रहता था, दुष्ट बूढ़ा रहता था, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, जिसके हृदय में लेस मात्र भी दया नहीं थी, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्ड ऑल डॉग्स व्हेन एवर एनी पास देयर हाउसेज, वह ऐसा दुष्ट था कि जिसके हृदय में जरा मात्र भी दया नहीं थी, उसने कुत्तों को बराबर लात मारते रहा जो उसके घर के करीब से गुजरा। हियरिंग ऑफ देयर नेबर गुड लक, अपने पड़ोसी के अच्छे दिन सुनकर, यानी सुना कि मेरे पड़ोसी का ऐसा ऐसा हो गया, तो उसे अब ईर्ष्या होने लगी। हियरिंग ऑफ देयर नेबर गुड लक दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, कोक्स माने बहलाना फुसलाना होता है, कोक्स द डॉग इन टू देयर गार्डन, कुत्ते को बहला फुसला करके अपने बगीचे में ले गया विकेट पर्सन, एंड सेट बिफोर हिम बाइट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटिस, कुत्ते को बहला फुसला करके अपने बगीचे में ले गया और बहुत सारे भोज पदार्थ उसे खाने के लिए, मछली के टुकड़े वगैरह, चावल वगैरह खाने के लिए दिया दुष्ट पड़ोसी। होप, किस आशा में दिया, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, कि उसे भी सोने का भरा खजाना बताएगा, इस आशा में दुष्ट पड़ोसी कुत्ते को बहला फुसला करके ले गया, खूब खिलाया पिलाया। बट, लेकिन कुत्ता कैसा था, बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ क्रूएल फेयर, परंतु बेचारा कुत्ता जो था यह दुष्ट पड़ोसी से डरता रहा, वुड नाइदर ईट नॉर मूव, ना तो एक दाना उसका खाया और ना वहाँ से घूमा, चला वहाँ से, वहीं पर बैठा रहा, जब ना खाया पिया ना कुछ किया, तब देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, तब उसे अपने दरवाजे से घसीट करके ले गए, टेकिंग ए स्पेड एंड हो विथ देम, और अपने साथ कुदाल और खुरपा ले लिया। नो सुनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोविंग इन द गार्डन, और नो सुनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री, और कोई देर नहीं, यानी बहुत जल्दीबाजी में वह उस पाइन ट्री के पास पहुंच गया जहां पर जमा हुआ था पाइन ट्री, इन द गार्डन, बगीचे में। देन ही बिगेन टू पा, और तब वहां पर क्या करने लगा, बिगेन टू पा, अपना पंजा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, जमीन पर कुरेचने लगा, जमीन को कोड़ने लगा पंजा से, एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसा कि जमीन के नीचे बड़ा सा खजाना छिपा हुआ हो, वह जमीन को कोड़ने लगा अपने पंजे से कुत्ता। तब दुष्ट जो था, दुष्ट विकेट पर्सन क्या कहता है, क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी करो, जल्दी से लाओ कुदाल और खुरपा, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, चिल्लाया लालची बूढ़ा, लालची जो दुष्ट बूढ़ा था वह चिल्लाया, और तब फिर कहता है, देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विथ ए स्पेड एंड ओल्ड क्रोन, क्रोन बूढ़ी औरत को कहा गया है, देन द कोवेटस ओल्ड फेलो, तब
लालची, कॉभेटस में लालची होता है, कॉभेटस ये लालची जो ओल्ड फेलो थे विथ ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विथ हो कुदाल से, और क्रोन जो बूढ़ी थी वह खुरपा से बिगैन टू डीग खोदने लगी जमीन को, बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन, परंतु वहाँ से मरी हुई बिल्ली के सिवाय और कुछ नहीं निकला। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, और तब क्या हुआ, मरी हुई सड़ी हुई बिल्ली के सिवाय कुछ नहीं निकला, और इतनी बदबू दे रही थी, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, उसकी दुर्गंध इतनी थी कि उसको कुदाल और खुरपा दोनों गिरा दिए और अपनी नाक को बंद कर लिए। फ्यूरियस एट द डॉग, इस पर बूढ़ा और बूढ़ी जो दोनों थे वे क्रोधित हो जाते हैं। फ्यूरियस एट द डॉग, द फ्यूरियस माने क्रोधित होकर के कुत्ते पर, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और क्रोधित होकर के उसको इतना पीटा कि उसको प्राणांत हो गया, यानी मारते मारते मुआ दिए दोनों पड़ोसी मिले दोनों मिल करके। एंड द ओल्ड ओमैन फिनिश्ड द वर्क बाई नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विथ द शार्प हो, और बूढ़ी जो थी वह अपने खुरपे से उसका सिर काट दी। एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकस, और उसके लाश के ऊपर से मिट्टी गिरा दी, मिट्टी से ढक दिया उसके लाश को। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, जब कुत्ते का मालिक यह समाचार सुना, यानी कुत्ते की मृत्यु की समाचार सुना, तो मॉरिंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, तो उसे बड़े प्यार से उसे पुकारा जैसे कि वह उसका अपना संतान हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, उस रात में उस पाइन ट्री के पास गया। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, वह जमीन पर कुछ बम्बू ट्यूब्स यानी बांस की लकड़ियाँ रखे, सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्ब, जैसा कि मकबरा में ऐसा किया जाता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और वहाँ पर कुछ ताजे फूल रखे। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, और तब वहाँ पर थोड़ा जल रखे। एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और वहाँ कब उसके कब्र पर एक ट्रे रखे भोजन से भरा हुआ, ग्रेव माने कब्र पर उसके, जहाँ पर कुत्ता गाड़ा गया था उसे कब्र पर गया और वहाँ भोजन रखा एक प्लेट में। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और वहाँ पर कुछ महंगे अगरबत्तियाँ जलाई। उसके बाद ही मॉर्न ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और ही मॉर्न ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और अपने पालतू को वह पुकारा, कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स, अनेक प्यारे नामों से उसे पुकारा, एज इफ ही वेयर एलाइव, इस प्रकार से पुकारा अनेक नामों से जैसे कि वह जीवित हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम, और भोजन दे करके जब वहाँ से लौट करके किसान जब गुड ओल्ड मैन जब अपना घर गया, तब दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम, उस रात उसके स्वप्न में कुत्ते की आत्मा प्रकट हुआ। इन ए ड्रीम एंड सेड, और कहा, क्या कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरे कब्र पर जो पाइन यानी जो पेड़ जो जमा हुआ है वृक्ष पाइन का, उसे क्या करिए, एंड मेक फ्रॉम ए कट डाउन द पाइन ट्री, उस पाइन ट्री को काट दीजिए ओवर माई ग्रेव जो मेरे कब्र पर जमा है।
एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार, और उससे बना लीजिए मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री, चावल पीसने वाली मशीन बना लीजिए, एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस, और सॉस पीसने वाली, सॉस चटनी को कहा जाता है। तो कुत्ते ने कुत्ते की आत्मा ने स्वप्न में आकर के किसान से कहा कि मेरे कब्र पर जो पेड़ जमा हुआ है काट डालिए और उससे मोर्टार और सॉस पीसने वाला यंत्र बना दीजिए। इसलिए सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन, चॉप्ड माने होता है काटना, सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। इसलिए उस आदमी ने उस वृक्ष को काट डाला, एक 2 feet लंबा ट्रंक और 2 feet लॉन्ग काट लिया विथ ग्रेट लेबर, और बड़े प्रयत्न से, बड़े परिश्रम से, पार्टली बाई फायर, आग के सहायता ले लेकर के, जला जला करके, और छेनी से ही स्क्रेप्ड आउट ए हॉलो प्लेस, उसमें एक खोखला सा भाग बनाया, जैसे उखल में पुराने ज़माने में ढेंकी और उखल रहता था धान कूटने के लिए। तो आग जला जला करके, छेनी गरम करके, चिसेल से वह लकड़ी को काटा और उखल जैसा बनाया। स्क्रैप्ड ए हॉलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, एक छोटा कटोरा के समान की भांति उसमें गड्ढा आकार बनाया। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, और तब उसमें एक लंबा लकड़ी का हैंडल बनाया, सच एज इट यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जैसा कि चावल बनाने में किया जाता है। When New Year's time drew near, जब नए साल का समय निकट आया, He wise to make some rice pastry, तो वह चावल बनाने की पेस्ट्री बनाना चाहा। When the rice was all boiled, जब चावल पूरा बॉयल हो गया, उबल गया, तो ग्रैनी पुट इनटू द मोर्टार, ग्रैनी उसको, यानी ग्रैनी बूढ़ी को कहा जाता है, ग्रैनी उसको डाली मोर्टार में। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डफ, और जो बूढ़ा आदमी था वह हैमर को चलाया चावल बनाने के लिए। Lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blow fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. और ऐसा बार बार करने से चावल तैयार हो गया और वह पीसने के लायक हो गया। And the blow fell heavy and फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, और वह बेलने के लायक, जैसे रोटी बेला जाता है उस तरह से वह बेकिंग के लायक, पकाने के लायक हो गया। सडनली द होल मास टर्न इन टू ए हीप ऑफ गोल्ड क्वाइंस, और अकस्मात जब वह जो होल मास, जो गुथा हुआ जो चावल है, वह टर्न हो जाता है, बदल जाता है, हीप ऑफ गोल्ड क्वाइंस, सोने के ढेर में परिणत हो जाता है। व्हेन द ओल्ड ओमैन टूक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विथ बीन्स विथ टू ग्राइंड, और जब बूढ़ी औरत जब हैंड मिल जब ले लेती है अपने हाथ में और भरती है उसमें, फिलिंग करती है इट विथ बीन्स, उसमें डालती है गुथा हुआ चावल, began to grind, पीसने के लिए, तब the gold dropped like rain, तो उसमें से गोल्ड झरने लगते हैं जैसे वर्षा होती है, तो सोना बरसे के समान झरने लगी उस मिल से।
निकलने लगी सोने के समान। मेन वाइल द इनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉयल्ड बीन्स वेयर बीन ग्राउंड। और जो उसका दुष्ट जो पड़ोसी था, इनवियस माने होता है ईर्ष्यालु, इनवियस जो नेबर था वो सब खिड़की से झांक करके देख रहा था कि कैसे पीस रहा है, कैसे क्या कर रहा है, सब देख रहा था खिड़की से छिप करके। गुडी मी, कहा कि हे भगवान, क्राइड द ओल्ड हैग, बूढ़ी चिल्लाई, जैसे एज सी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, प्रत्येक जो सॉस जो था यानी गुथा हुआ जो आटा जो था वह बदल जा रहा था सोने के पीले ढेर में। अंटिल इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही क्षणों मिनटों में, द टब अंडर द मिल, मिल के अंदर रखा हुआ जो टब था वाज फूल, भर जाता है ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, चमचमाते सोने से टब भर गया। सो द ओल्ड कपल वेयर रीच अगेन, इसलिए ओल्ड कपल जो थे ये बूढ़े दंपति जो थे, वेयर रीच अगेन, एक बार फिर धनी हो गए, दोबारे फिर धनी हो गए। एक बार तो सोना का ढेर मिला और जब घर उसको लाए तो उसको जैसा कुत्ते मर जाने पर कहा वैसे वैसे किए, तो इनके यहाँ सोने के बरसा होने लगी उस चावल पेस्ट्री से। तो इस प्रकार से गुड ओल्ड मैन जो थे एक बार फिर धनी हो गए। सो द ओल्ड कपल वेयर रीच अगेन, फिर धनी हो गए एक बार। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड वीकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल। तो जो दुष्ट जो पड़ोसी था, दूसरे दिन एस्टिंजी माने कंजूस, वीकेड माने बदमाश और कंजूस जो नेबर था इनका दुष्ट, वह इनके यहाँ आया एंड बोरोड द मोर्टार एंड द मैजिक मिल। और मैजिक जो ये मिल था, यह बोरो माने उधार मांगना होता है, तो बोरो उधार मांग करके ले गया मैजिक मिल को। दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड अदर विथ बीन्स। उसने क्या किया कि देखा था गुड ओल्ड मैन को करते हुए, उसने भी वैसा ही किया। दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस, एक में उसने उबाला हुआ चावल भर दिया, एंड द अदर विथ बीन्स, और दूसरे में बीन सेम यानी उबाला गूंथा हुआ आटा उसमें डाल दिया। देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड, तब द ओल्ड मैन जो था उसे पाउंड करने लगा, पीसने लगा, एंड ओमेन टू ग्राइंड, और बूढ़ी औरत उसको चलाने लगी। बट एट द फर्स्ट ब्लो द टर्न, परंतु प्रथम ही बार में वह ऐसा बदल गया, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फुल मास ऑफ आर्म्स, जितना इसका जो था गुथा हुआ आटा और उबाला हुआ चावल ये सब बदल गया, किस चीज में, टर्न इनटू ए फोल मास ऑफ फॉर्म्स, कीड़ों के ढेर में बदल जाता है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया विकेट ओल्ड पर्सन एंड दुष्ट पड़ोसी जो था, जब कीड़ों के ढेर में परिणत हो जाता है तो वह अत्यंत गुस्सैल हो जाता है, गुस्सा में हो जाता है, और गुस्सा में होकर के क्या करता है। एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू ए पीसेस, और गुस्से में आकर के चॉप्ड माने होता है टुकड़े टुकड़े करना, वह मिल को टुकड़े टुकड़े कर देता है, टू यूज एज फायर वुड, और उसको जलावन में प्रयोग कर देता है। इस प्रकार से पार्ट वन समाप्त होता है। Its meaning and question answer will be sent to WhatsApp. Please check it. Stay home, stay healthy. Thank you.